Hello guys, welcome to Spider's Web channel. This is Gautam Khare signing in. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में. What is computer networking? How it works? What are the types of networks? What is IP address and its type? Role of ports in networking. इन सब के बारे में हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है. व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग. ठीक है, तो जब दो से ज्यादा कंप्यूटर्स डिवाइसेस और सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं आपस में, इसलिए फाइल्स और फोटोज को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, उसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग. और ये जो कनेक्शन है ना, ये वेरियस मेथड्स के थ्रू एस्टैब्लिश हो सकता है, जैसे कि इथरनेट केबल्स आपको पता ही है, और दूसरा जो है वो है वायरलेस, दैट इज वाईफाई जो आप यूज करते हैं. तो आज के तारीख में कंप्यूटर नेटवर्किंग ये एक मेन रोल प्ले करता है. चलो देखते हैं कैसे है. पहला जो है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी. देखो इसमें नेटवर्किंग क्या करता है, नेटवर्किंग करता है आपके कंप्यूटर और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से. क्यों? एक्सेस करने के लिए वेबसाइट्स को, ईमेल्स को, ऑनलाइन सर्विसेज को और बहुत कुछ. सेकेंड जो है वो है फाइल शेयरिंग. तो नेटवर्किंग क्या करता है, नेटवर्किंग अलाउ करता है क्या करने के लिए, फाइल्स एंड फोटोज को शेयर करने के लिए. फाइल्स और फोटोज कौन से हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस एंड प्रिंटर्स. थर्ड वन जो है वो है कम्युनिकेशन. तो नेटवर्किंग अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए आपस में, कैसे है, ईमेल्स के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या तो फिर वॉइस ओवर आईपी कॉल्स. फोर्थ वन जो है वो है डेटा स्टोरेज. देखो इसमें नेटवर्किंग अटैच स्टोरेज होते हैं डिवाइसेस और क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन होते हैं, वो यूज करते हैं नेटवर्किंग को और प्रोवाइड करते हैं सेंट्रलाइज स्टोरेज को. वो एक्सेस करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस. अब फिफ्थ वन जो है वो है कोलैबोरेशन. अब नेटवर्क सपोर्ट करता है कोलैबोरेटिव वर्क को, कैसे है, उनको अलाउ करके, मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करके एक्सेस करने के लिए, एडिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रियल टाइम में. सिक्स वन जो है वो है रिमोट एक्सेस. अब नेटवर्किंग क्या करता है, एनेबल करता है, रिमोट एक्सेस करता है डिवाइसेस को, सर्वर्स को और सिस्टम्स को, कैसे, उनको पॉसिबल करता है कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से. आप लॉन्ग डिस्टेंस में बैठ के भी काम कर सकते हो. तो ये डायग्राम के मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो ये डायग्राम देख के आपको कुछ आइडिया आया होगा कि आप इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं. देखो यहां डायग्राम में दिया है राउटर, राउटर से आपको मिलता है यहाँ पे इंटरनेट. देखो इस पीसी को मिल रहा है इंटरनेट राउटर से, इस मोबाइल को मिल रहा है इंटरनेट राउटर से, इसे मिल रहा है इंटरनेट राउटर से, प्रिंटर को मिल रहा है इंटरनेट राउटर से, इस पीसी को मिल रहा है इंटरनेट राउटर से, और इस लैपटॉप को मिल रहा है इंटरनेट वो भी राउटर से. बट राउटर को कहां से इंटरनेट मिल रहा है, वो मिल रहा है आईएसपी से. और ये जो आईएसपी, ये क्या है,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये राउटर जो है ये लाइक ए डिफॉल्ट गेटवे की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो देखो कैसे वर्क करता है ये। अब ये जो आईएसपी है वो आपके राउटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, दो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। एक है ये पब्लिक आईपी एड्रेस 82.10.250.19 और दूसरा जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस 192.168.0.1। अभी आप सोचते होंगे कि ये आईएसपी ने राउटर को पब्लिक आईपी एड्रेस क्यों दी है और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों दी है, दो दो आईपी एड्रेस क्यों दी है, ये आप सोचते होंगे। तो मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो ये जो लैपटॉप है ऊपर यहां पे आपने एक्सेस किया, चलो आपने एक्सेस किया facebook.com। तो ये facebook.com एक्सेस करने के बाद ये रिक्वेस्ट जाती है कहां पे, राउटर को जाती है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो राउटर रिक्वेस्ट भेजता है आईपी एड्रेस को। तो सोचो ये जो लैपटॉप है आपका ये है सोर्स आईपी और इस सोर्स आईपी का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है 192.168.0.101 और ये रिक्वेस्ट भेजेगा राउटर को, उसकी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो है 192.168.0.1। तो facebook.com का रिक्वेस्ट जाएगा राउटर को, बट राउटर क्या करेगा facebook.com का रिक्वेस्ट भेजेगा आईएसपी को, ठीक है। तो ये जो है राउटर रिक्वेस्ट भेज रहा है आईएसपी को, तो मतलब ये डिफॉल्ट गेटवे की तरह एक्ट कर रहा है और फिर बाद में रिक्वेस्ट जा रहा है आईएसपी को। अब आईएसपी क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा राउटर को facebook.com का, बट वो प्राइवेट आईपी एड्रेस से नहीं भेजेगा, ठीक है, वो यूज करेगा पब्लिक आईपी एड्रेस 82.10.250.19, ठीक है। तो अब आईएसपी बन गया है सोर्स आईपी, तो सोर्स आईपी से रिक्वेस्ट जाएगा राउटर को और फिर राउटर से होके रिक्वेस्ट जाएगा आपके लैपटॉप को, ठीक है। तो अब लैपटॉप का जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.101 ये अब बन गया है डेस्टिनेशन आईपी। तो आपको थोड़ा तो कुछ समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं आपको क्लियर आइडिया आने के लिए डायग्राम का हेल्प लेके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्क करता है। अब इसमें क्या होता है, राउटर का जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है ना जो आईएसपी ने प्रोवाइड किया है, हैकर्स क्या करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज करते हैं हैक करने के लिए, ठीक है। बट हम लोग ना उनको पकड़ सकते हैं, हमारे साइबर क्राइम वाले लोग उनको है ना पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग डिटेल्स में, बट अभी नहीं, फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। जो पहला जो है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए यूज होता है, जैसे होम ऑफिस कैंपस, ठीक है। वो ना हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करता है और वो यूज होता है शेयर करने के लिए फाइल्स को, प्रिंटर्स को, ठीक है। सेकेंड जो है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क,
वैन क्या करता है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, और वो कनेक्ट करता है लैन को और अदर वैन्स को, जैसे कि आपको पता है इंटरनेट ये लैन को भी कवर करता है और वैन को भी कवर करता है। तीसरा जो है वो है डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो आप यूज करते हैं वाईफाई, वो है डब्ल्यू लैन। ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वाईफाई का, ओके, और ये होम ऑफिसेस और पब्लिक प्लेसेस में काम आता है। नेक्स्ट जो है फोर्थ वन वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या करता है, कवर करता है लार्ज एरिया लैन से भी, बट स्मॉलर एरिया देन वैन। समझे, मैन क्या करता है, लार्ज एरिया कवर करता है लैन से भी, बट स्मॉल एरिया देन वैन। नेक्स्ट जो है वो है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करता है, जैसे कि आपको पता है ब्लूटूथ वो स्मॉल एरिया कवर करता है, उसे कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सिक्स वन जो है वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, सर्वर जो है ना अपने सर्विसेस या रिसोर्सेस को प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को जो नेटवर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अभी ये पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, सब नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसमें कोई सर्वर नहीं होता है, कोई क्लाइंट नहीं होता, वो आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं, ओके, उसे कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट जो है एट वन, उसे कहते हैं क्लाउड नेटवर्क। देखो ये जो क्लाउड नेटवर्क है वो यूज करता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेस को, और यूजर क्या करता है, डेटा एक्सेस करने के लिए होस्टेड रिमोट सर्वर से डेटा उठा लेता है, डाउनलोड करता है, ठीक है। तो ये सब है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, वैन, लैन, डब्ल्यू लैन, मैन, पैन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाउड नेटवर्क। तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस होता क्या है, ओके। तो ये आईपी एड्रेस जो है एक न्यूमेरिकल लेबल असाइन किया होता है एक पर्टिकुलर डिवाइस को, जो डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं और वो डिवाइसेस इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं ये सब आपको एक लाइक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस जो मैंने यहाँ पे लिखा है 192.168.161, तो ये जो आईपी एड्रेस है इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, आपको पता है, ये ऐसे ही नहीं लिखा है, ये बीच में डॉट क्यों दिया है, ये भी एक पर्टिकुलर मीनिंग है इसके पीछे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो 192 है ये रिप्रेजेंट करता है आपके कंट्री को, आप जिस कंट्री में रहते हैं वो रिप्रेजेंट करता है 192, और उसके बाजू में जो 172 है वो रिप्रेजेंट करता है आपके कंट्री को, नहीं आप जो कंट्री में रहते हैं उसके स्टेट को, तो 172 रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, ओके। 168 जो रिप्रेजेंट करता है वो है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो रिप्रेजेंट करता है 168, ठीक है। ये जो 61 है ये क्या है, डिवाइस इनपुट, ये डिवाइस की इंफॉर्मेशन देता है। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये आपकी नहीं रहेगी, आपकी आईपी एड्रेस डिफरेंट रहेगी, वो आप जाके चेक कर सकते हैं कमांड लाइन में टाइप करके, इफ कॉन्फिग टाइप करके, ठीक है। ये तो बस मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है, ठीक है। तो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में। तो ये जो 192 है, ठीक है, ये है 8 bits, आपने सुना ही होगा ना 1 byte = 8 bits, तो ये जो है 8 bits, 8 bits means 1 byte, 8 bits। 172 जो है वो भी है 8 bits,
ये भी है 8 बिट्स, 61 जो है वो भी है 8 बिट्स, ठीक है। मतलब टोटल कितने बिट्स हो गए, 32, ये हो गए 32 बिट्स। और टोटल कितने बाइट्स हो गए, 4 बाइट्स। 4 बाइट कैसे पता है ना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 बिट, 8 बिट मतलब 1 बाइट, ये 8 बिट मतलब 1 बाइट, ये 8 बिट मतलब 1 बाइट, ये 8 बिट मतलब 1 बाइट। तो टोटल कितने हुए हैं, 4 बाइट्स, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको इंटर आईपी एड्रेस के बारे में। तो अभी हम लोग इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो इनका डिफरेंस है, IPv4 का डिफरेंस है एड्रेस साइज, उनका है 32 बिट नंबर। IPv6 का है एड्रेस साइज 128 बिट नंबर। IPv4 का एड्रेस फॉर्मेट होता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन से, जबकि IPv6 का एड्रेस फॉर्मेट होता है हेक्साडेसिमल नोटेशन से। अब IPv4 का प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है, 192.172.168.161, मतलब बीच में होता है डॉट्स इनके, जबकि IPv6 का प्रीफिक्स नोटेशन होता है 3xy:700:234:48। अब IPv4 का नंबर जो नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं 2 पावर 32, जबकि IPv6 का नंबर ऑफ एड्रेसेस है वो 2 पावर 128, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल के टाइप के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एड्रेस क्या होते हैं इनके, जो ये जो पहला है, फर्स्ट वन जो है वो है पब्लिक। अब पब्लिक कैसे, जो आपका राउटर है वो ISP से जो इंटरनेट के बीच में कम्युनिकेशन करता है, जो एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है वो है ना पब्लिक के थ्रू होता है। और ये जो है प्राइवेट, आप जो इंटरनेट एक्सेस करते हो आपके राउटर से वो होता है प्राइवेट। अब ये स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक आईपी मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपकी वेबसाइट है, मान लो आपके वेबसाइट का नाम है www.xyz.com, तो ये कभी चेंज नहीं होगी, ओके। अगर आप एड्रेस बार में टाइप करोगे www.xyz.com तो वो उसी वेबसाइट पे लेके जाएगा आपको, किसी और के वेबसाइट पर लेके नहीं जाएगा वो, समझे। तो इसे कहते हैं स्टैटिक आईपी। अब जो फोर्थ वन है वो है डायनेमिक आईपी। डायनेमिक आईपी मतलब ये चेंज होती रहती है, ठीक है, उससे कहते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस के रोल क्या है नेटवर्किंग में। तो पहले हम लोग इस बात पे आते हैं, वेल नोन पोर्ट्स उसका क्या है, 0 से लेकर 1023 में। अब वेल नोन पोर्ट्स में आपने पोर्ट 80 के बारे में तो सुना ही होगा ना, पोर्ट 80 किस पे रन होता है, HTTP है। और पोर्ट 443 के बारे में तो सुना ही होगा आपने, पोर्ट 443 रन होता है HTTPS पे, ठीक है। तो ये हो गया वेल नोन पोर्ट। अब हम लोग इस पे बात करते हैं रजिस्टर पोर्ट्स के बारे में। अब ये जो रजिस्टर पोर्ट है इस पर है 1024 से लेकर 491 51, तो ये सब जो पोर्ट्स है ये रेंज में, ये रजिस्टर्ड होता है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, समझे। अभी डिस्कस करते हैं डायनामिक पोर्ट्स के बारे में। डायनामिक पोर्ट्स का है 491.52.655.65। तो कुछ और पोर्ट्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये है पोर्ट 20। पोर्ट 20 जो है उसका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है FTP, उसका टाइप है TCP, डिस्क्रिप्शन है उसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का लॉन्ग फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है।
अब पोर्ट 21 उसका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है एफटीपी, टाइप है टीसीपी, डिस्क्रिप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो है वो है पोर्ट 22, उसका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है एसएसएच, उसका टाइप है TCP/UDP, TCP का लॉन्ग फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। उसका है सिक्योर शेल फॉर सिक्योर लॉगिन, तो वैसे ही ये पोर्ट 23 है, उसका है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल टेलनेट, टाइप TCP, अनएन्क्रिप्टेड लॉगिन। तो ऐसे ही है यहाँ पे पोर्ट्स जो बताए हैं इस स्लाइड में, तो इतना सब डिटेल्स में जाने की हम लोग को जरूरत नहीं है, जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग को बस हम लोग उसी पोर्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही है, तो हमारे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है गाइस, थैंक यू।